हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवरी मंच। मैं हूँ सरिता और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी टाइप की सब्जी। नॉर्मली बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाने वाली हूँ, वो तरीके से अगर आप लोग बना के खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि आज मैं क्या बनाना सिखा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मसाला बैंगन की रेसिपी। वो भी आज मेरे तरीके से आप लोग बनाएंगे, खाएंगे और उसके बाद कमेंट भी करेंगे कि आप लोगों ने कितना अच्छा बनाया है। आज तो मैं ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, तो आज हम लोग कुकिंग करने वाले हैं। कुकिंग में मसाला बैंगन बनाते हैं। फिर चलिए बिना देर किए हम लोग मसाला बैंगन बनाना स्टार्ट करते हैं। तैयारियाँ जो है मैंने सारी कर ली है, अभी सिर्फ बनाना बाकी है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जाए। फिर चलिए हम लोग बनाते हैं। मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने बैंगन ले लिया है। ये छोटे छोटे साइज का बैंगन है, कांटा वाला बैंगन होता है। तो पूरा साइड का जो कांटा है वो मैंने निकाल दिया है और इसे चार टुकड़ा कर दिया है। और इसे अलग अलग नहीं करना है, बस चार टुकड़ा करके ऐसे ही रहने दे। तो ये मैंने अपने गार्डन से ही लाया है, तो एकदम फ्रेश बैंगन लेके आई हूँ। तो अभी इसको बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मसाला देखते हैं। तो तीन प्याज मैंने बारीक काट के तेल में फ्राई किया है, 10 से 12 लहसुन ले लिया है, एक टमाटर तेल में भून लिया है और साथ ही ये नारियल जो है इसे भी बारीक टुकड़ों में काट के तेल में भून लिया है। तो अभी ये ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। तो इसमें और भी मसाला डालना है। पूरा वीडियो देखते रहिए और आप लोग भी इस तरीके से मसाला तैयार कीजिए अपने घर पर और फिर बनाइए। साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड करना है और उसके बाद 1 चम्मच होममेड गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और ये सारा मसाला अच्छे से पीसने के लिए 1/2 चम्मच नमक, ताकि अच्छे से बारीक हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अभी इसे पीस के हम तैयार कर लेंगे। तो इस टाइप का मसाला पीसने के लिए नमक ज़रूर ऐड करें। पूरा मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तो अभी चलिए जल्दी से हम लोग मसाला बैंगन बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लेते हैं। आपके पास जो भी कढ़ाई हो ले ले, गरम करें और उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा तेल ऐड करें। तो जो भी आप तेल खाते हैं वो तेल में आप बना सकते हैं। अगर ठंडी के दिनों में आप बना रहे हैं तो सरसों तेल का उपयोग करें। अभी सारा बैंगन इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के भी इसे एकदम फ्राई करके निकाल सकते हैं। अभी इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से पक न जाए। तो फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम रखते हुए पूरा बैंगन अच्छे से फ्राई करके ले ले। हाई फ्लेम करेंगे तो बैंगन जल जाएगा लेकिन अच्छे से सीझता नहीं है, तो उसका ध्यान रखें और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पूरा बैंगन जो है फ्राई करके निकाल ले। तो अभी जो बैंगन है ये फ्राई करके हो गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अभी इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। काफ़ी फास्ट बन जाता है और बैंगन ऐसा सब्जी है कि सीजने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। और इसमें बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं जो अपने सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने फ्राई कर लिया और अभी इसी के अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है मैंने। ये सब तड़कने के बाद इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। मसाला जो है मैंने अपने बैंगन के हिसाब से तैयार किया है। अगर आप लोग ज़्यादा बैंगन ले रहे हैं तो प्याज और बाकी धनिया जितना भी मसाला था वो सब का क्वांटिटी बढ़ा दे, ताकि आपका मसाला बैंगन सच में मसाला बैंगन बने। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मसाला कम हो जाएगा और सिर्फ बैंगन रह जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। इसमें मसाला भरपूर चाहिए होता है। और अभी ये मसाले में मैं ऐड कर दी हूँ 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। पहले जो मैंने डाला था वो तीखा मिर्च पाउडर था। कश्मीरी मिर्च पाउडर थोड़ा सा सब्जी को कलरफुल बनाने के लिए। अब इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ मैं।
तो इसमें और एक सीक्रेट चीज़ डालना बाकी है, सो वीडियो देखते रहिए, उसके बिना ये पूरा नहीं होता है, तो वो भी मैं ऐड करने जा रही हूँ अभी। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सेंगदाने का कूट, तो भुना हुआ जो मूंगफली होता है उसका मैंने पाउडर बना दिया है और वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना सब्जी हो उस हिसाब से पाउडर ऐड करें। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है, पानी डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। ये सब्जी जो है बहुत ज़्यादा पतला ना करें, थोड़ा सा थिकनेस रहना चाहिए इसमें, तो ही इसका स्वाद अच्छा आएगा। तो अभी मैंने पानी डाला है और ये उबलने के बाद अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और नमक ऐड कर दी हूँ मैं, क्योंकि मैंने मसाला ग्राइंड करते टाइम भी नमक ऐड किया था। साथ ही एक चम्मच कसूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ स्वाद बढ़ाने के लिए और खुशबू के लिए। अगर है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अभी मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद, पानी और नमक डालने के बाद, सबसे लास्ट में आपको बैंगन डाल देना है फ्राई किया हुआ। पूरा बैंगन डालने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दे, ऊपर नीचे कर दे बैंगन को, और उसके बाद इसे ढक दे और ढक के आप इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाले। उसके बाद ये सब्जी तैयार हो जाता है। तो चलिए इसके ऊपर अभी ढक्कन डालते हैं और इसे अच्छे से पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो अभी खोल के देखते हैं और सब्जी जो है काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा मिक्स करके देखते हैं इसे। बैंगन जो है अभी सीझ गया है, क्योंकि वो फ्राई करते टाइम ही सीझ गया था, अभी और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो रस में उबलने के बाद एकदम अच्छा और टेस्टी हो जाता है, पूरा नमक जो है बैंगन के अंदर अच्छे से घुस जाता है। तो अभी हम लोग गैस बंद करते हैं और सब्जी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद नॉर्मल जब ठंडा हो जाए तो इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है। तो ये एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये मसाला बैंगन कैसा लगा, और आप लोगों के लिए मैं कौन सी रेसिपी लेके आऊँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये लीजिए गाइस, मसाला बैगन बनके तैयार है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने घर पे बनाइएगा भी और खाइएगा भी। सो ऐसे ही और अच्छे अच्छे नए रेसिपी और नए ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाते रहने वाली हूँ, सो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जाए। सो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।